अभी हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। अभी हम इसको फिर से रिवाइज कर रहे और अगर हम देखें तो इस वक्त एक छोटी सी सोंड भी आ रही है। अब आप कहेंगे सर हमें सोंड सुनाई नहीं दे रही है। इसके लिए हमारे पास एक और था जिसको हमने कहा, जिसको इंस्ट्रूमेंट को हम हार्ट की सोंड सुनने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं इसकी सोंड सुनने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी देखिए आप इसको यहाँ पर लगा के रखेंगे और आप बच्चे जो है वो खुद एक्टिविटी करेंगे। आप बच्चे खुद देखेंगे कि हमारे क्योंकि ये साउंड बहुत कम हो रही है, इस साउंड को सुनने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप बच्चे जो है इसको पकड़ के और एक इसको हम स्केच करेंगे और इसकी साउंड को ऑब्जर्व करेंगे। ये लो आप करो इसको ट्राई करो और आपने देखना है कि क्या साउंड भी हो मिल रही है या नहीं मिल रही। और फिर आप खुद इसको स्ट्रेच करेंगे और आप देखेंगे कि हवा बैलून क्या है, इस वक्त फुले हुए हैं कि सुखड़े हुए हैं, इसका मतलब अभी सांस अंदर गया है कि बाहर आया है, सभी बताइए। और अभी अगर मैं इसको रिलैक्स करता हूँ, ये जो डायफ्राम है इसको मैं रिलैक्स कर रहा हूँ तो हवा कहाँ आ रही है, अगर मैं फिर से ले रहा हूँ तो हवा कहाँ आ रही है। आप इसको खुद कीजिए, ये भी आप खुद कीजिए, आप खुद सोच नोट कीजिए। आप दिखाइए जी, आप बच्चे क्या कर रहे हैं, आप बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुंचे आपका काम जी, इसको ये दिखाइए जरा, आप खड़े होके बताइए जरा, आप इस टेबल के नीचे क्यों बैठे, आप बच्चे इसको डिमांड, आप इसको डिमांड कीजिए जरा जो आप बना रहे हो, आप इसको कैसे चलाना चाहोगे, कहां से क्या ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों चलेगा है? अभी आपको इसके लिए और किस चीज की कमी सर, इसके लिए अभी टायर लगाना है, मॉडल लगाना है। आपको देखिए टायर कहाँ पर है आपके पास, मैम आज हम इन बच्चों को इस स्टेम लैब में बेटियों को हमने एक एक्टिविटी करवाई ब्रीथिंग मैकेनिज्म, जिसमें हमारा ये एक एक्टिविटी थी हमारे पास के इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, सांस का लेना और सांस का वापस करना ये कैसे होता है। तो हमारी बेटियों ने इस पर एक एक्टिविटी की है, हैंड साम किया है। ये बच्चों आप आ जाओ इधर ज़रा, ये बच्चों ने किया मैम, इसमें हम इस ये जो बाहर वाला गिलास है इसको हम चेस्ट कैविटी लेते हैं और ये वाला जो बैलून है ये डायफ्राम है, क्योंकि डायफ्राम जो है वो रिलैक्सेबल होता है, मसल कम है। अभी हम बच्चों को ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसमें सांस हमारी चेस्ट कैविटी में हवा कब अंदर जाएगी और हवा कब बाहर आएगी, हम थ्योरी में इनको बताते हैं, हम थ्योरी में तो इनको बताते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, लेकिन हम इनको आज ये हैंड साम करवा रहे थे कि हमारा चेस्ट कैविटी का प्रेशर कब कम होगा और कब ज्यादा होगा। अभी हम देख रहे हैं कि एक बैलून पर हमने लंग्स का ऑर्डर दिया और ये जो ट्यूब भी है ये हमने ट्रे किया इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ये जो बाहर से गिलास है इसको हमने चेस्ट कैविटी, और अगर हम इसको इस डायफ्राम को थोड़ा कंट्रैक्ट करते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे लंग्स जो हैं वो खुले हुए हैं, इसका मतलब कि इस वक्त चेस्ट कैविटी में इस बैलून के खुलने की वजह से चेस्ट कैविटी का साइज ज्यादा होगा और जब साइज ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो बाहर की हवा अंदर की तरफ जो है वो मुंह करेगी। अगर हम इसको रिलैक्स करेंगे इसका मतलब ये अपनी पोजिशन पर आ जाएगा और चेस्ट कैविटी का साइज फिर से कम होगा, जब चेस्ट कैविटी का साइज कम होगा तो अंदर का प्रेशर कम होगा और हवा अंदर से बाहर की तरफ। एक और मैम हम इनको दिखा रहे थे एक्टिव और पैसिव, एक्टिव हम कहते हैं जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो और पैसिव जिसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं। तो अब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो हम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब ये अपनी पोजिशन पर आएगा तो हम इसको सीधा रिलैक्स करेंगे तो ये अपनी पोजिशन पर आ जाएगा। ये आज हम बच्चों को दिखा रहे थे और हमने इनको सोंड भी दिखाया कि अगर हम इसको कंटिन्यूअस कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे
तो एक सांस की सोंड भी आ सकती है। उसके लिए हमने इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जिसको हम मोस्टली जो है वो हार्ट बीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे बच्चों ने कहा कि सर हम इसको इस्तेमाल करके हमारे पास बिल्कुल एक सोंड भी आ सकती है कि जब भी हम इसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो ये सोंड भी एक रिसीव कर पाएगा। मुझे लगता है बच्चों जो आप देखते हैं ताकत बख्शी है कि हम बिना एनर्जी के लेते रहते हैं। कभी कभी हमारी सांस एनर्जी एक्सरसाइज से या कभी हम योगा करते हैं या कभी करते हैं तो हमारी जो सांस मैम ये बच्चे हमारा एक दूसरी हैंड साम कर रहे हैं, ये गियर बॉक्स बना रहे हैं। आप मैम को थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए बच्चे। आप आपने जो उन्होंने बनाया है हमारे पास ये सभी इंस्ट्रूमेंट इस स्टेम लैब में अवेलेबल हैं और मैं कल खुद ट्राई कर रहा था लेकिन मैं खुद नहीं बना पाया। ये रियलिटी है, ये और बात रियलिटी है बच्चों कि आप लोग हमसे नेक्स्ट जनरेशन के हो और आप लोगों का दिमाग जो है पढ़ाई में क्या पता कैसा लगता है लेकिन इन चीजों में बहुत तेज है। अभी इसमें क्या क्या कमी रही है बच्चे? ये कमी क्या है? अभी आप इसको कब कंप्लीट करोगे? शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया। देखो गवर्नमेंट ने आपके लिए नए स्टैंड लैब में कितनी चीज़ें देख सकी जो हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसी लैब्स होती हैं। तो देखो और आपको बहुत अच्छे मेंटोर मिले हैं, बहुत अच्छे टीचर मिले हैं। प्लीज़ गवर्नमेंट का और अपने टीचर का फ़ायदा उठाइए और अपने आप को जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वही तो एनईपी है। ऐसे आप बोरिंग था सांस लेना, उन्होंने आपको मॉडल बना के दिखा दिया कि हमारा मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, बेस्ट। थैंक यू मैम।